वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं उगई खोवा लेने के लिए। दिखाता है इनफैक्ट इनके यहाँ खोवा जो है वो मशीन से बनता है। अब ले लिया है, सब रिटर्न जाते हैं। ये खेत साइड पर हूँ एंड ये बोथ साइड पर खेत है चावल के। चावल बिल्कुल हरा है और अभी इसे काफी टाइम लग जाएगा। इसका चावल देखिए, ये पूरा पक चुका है। अभी कुछ दिन की धूप में ये कटना शुरू हो जाएगा। कुछ पेड़ ऐसे है ये चावल के धान के कि ये बारिश में या पानी ज्यादा पा गया और हवा साथ में, देखिए पूरे लेट गए हैं। पर कुछ पेड़ बिल्कुल लेटे हुए हैं और आगे के उधर के खड़े हुए हैं। घर आ गए हैं, सो इस टाइम पर 10 बज रहे हैं। सो अभी रेडी हैं, देखते हैं कितनी देर से निकलते हैं और जा रहे हैं। फतेहपुर यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर है, थोड़ी देर से चलने वाले हैं। फाइनली अभी फतेहपुर आए हैं। में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसको बनवाते हैं, चला जाएगा। लगने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी जस्ट आए हैं घर। आज के दिन सबसे ज्यादा शहर ने मस्ती किया, सो मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ। शायद साढ़े सात एंड 3 बजे के करीब अब मैं निकला हूँ। आई थिंक 3 या 4 बजे के करीब, 3-4 घंटे लग गए। सो अभी रिटर्न आया, मुझे लग रहा 3-4 घंटे और हो जाएंगे। सो यहाँ से रिटर्न जाते जाते 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। इनफैक्ट नाइट का टाइम है, सो मे बी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है ट्रैफिक की वजह से। सो देखते हैं कितना टाइम क्या लगता है। अब जा रहे हैं अराउंड 10:30 बजे, 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने। अभी जस्ट वहीं पर ही हो गया, सब रेस्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।